बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हब। क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप खुश होंगे, खुश रहें, आबाद हैं अपने घर में, आमीन जी। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही जबरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि मुझे उम्मीद है इसके 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी आजमूदा है और ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है और आपको आई एम श्योर कि आज से पहले किसी ने ऐसी रेमेडी नहीं बताई। घर की इंग्रीडियंट से आपको बड़ा ही जबरदस्त एक फेस ऑयल बना के बताऊंगी, आपको इतना अच्छा लगेगा कि इंशाल्लाह आप इसको एक दफा नहीं बार बार बनाए और अपने फेस पर इसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह 100% रिजल्ट पाएंगे। मेरी कोशिश थी कि मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। मैं चाहती हूँ दोस्तों कि मेरी रेमेडी से मेरे व्यूअर्स को, मेरे दोस्तों को, मेरी बहनों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और उनकी ब्यूटी को चार चांद लगे। जी हाँ जी, बस तो आए टाइम जाया ना करते अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रीडियंट रखी हुई है, मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, मुझे उम्मीद है आप भी अपने लिए थोड़ी सी मेहनत तो जरूर कर लेंगे। आज के दौर में कौन ऐसा है जो खूबसूरत नहीं लगना चाहता? अगर खूबसूरत लगना है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पर बेसन है, मैं आपके लिए बनाऊंगी आज बेसन का ऑयल। बेसन का फेस ऑयल आपके लिए इतना जबरदस्त होगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये बेसन का ऑयल आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो आई मैं अपनी रेमेडी बनाती हूँ और साथ साथ आपको इसके बेनिफिट भी बताती हूँ। जी हाँ, देखिए मैंने तकरीबन एक प्याली बेसन ले लिया, आप इसमें से क्वांटिटी अपनी मर्जी से कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास घर का एलोवेरा है, फ्रेश एलोवेरा जेल लेकर उसको इस तरह मैंने उसका गोदा निकाल लिया है। आपने इस तरह नाइफ के साथ रब करके देखिए इस तरह इसका सारा जेल ले लेना। अगर आप बाजारी चाहें तो आप बाजारी भी ले सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स इसके अंदर जाएगा जॉनसन्स बेबी ऑयल, आप चाहें तो जॉनसन्स बेबी ऑयल की जगह पर दूसरा आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आप उसकी जगह पर जॉनसन्स ऑयल बेबी ऑयल यूज करें। ये केमिकल से पाक होता है, आपकी स्किन को स्मूथ रखता है, उसको नॉर्श करता है और ब्यूटीफुल रखता है। उसके बाद मेरे पास है ग्लिसरीन, विंटर की खास इंग्रीडियंट। उसके बाद कोकोनट ऑयल है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो नहीं डालें। उसके बाद मेरे पास है गुलाब जल यानी कि रोज वाटर और थोड़ी सी हल्दी है। सो आए स्टार्ट करते अपनी वीडियो। पहले एक साथ प्याली लेनी है, उसके अंदर आपने डालना है बेसन, बेसन का ऑयल हम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर 4 से 5 चम्मच मैंने बेसन डाल लिया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा एलोवेरा जेल, तकरीबन हाफ क्वांटिटी आप इसके अंदर एलोवेरा जेल डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, घर का एलोवेरा जेल अगर आप लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये केमिकल से पाक होते हैं। ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट जेल जो होता है ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता है, स्मूथ रखता है। विंटर में तो इसकी खासियत है कि ये स्किन को बहुत ग्लोइंग रखता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता, बहुत ही सॉफ्ट रखता है। क्योंकि आपने देखा इसका जेल बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, फटने नहीं देता। फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने दोनों इंग्रीडियंट को अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अब हमने इसके अंदर क्या डालना है, हमने इसके अंदर डालना है जॉनसन्स बेबी ऑयल। जॉनसन्स बेबी ऑयल हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच डालेंगे। ये देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे आंबा हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर हम डालेंगे तकरीबन इसके अंदर 1 पिंच। अब इसके अंदर जाएगा ग्लिसरीन, आपने 2 चम्मच इसके अंदर ग्लिसरीन डालना है जी। बस लास्ट में इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच मुझे भर के इसके अंदर कोकोनट ऑयल चाहिए जी। दोस्तों तो देखिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट को इसके अंदर डाल दिया, अब बारी है इसको मिक्सी में डालने की। जी बस तो देखिए हमारा बेसन का फेस ऑयल रेडी हो गया है, ये बहुत अच्छे टेक्सचर में हमारे पास आ गया। इसके ऊपर आपको हल्का हल्का अलग से इसका ऑयल नजर आएगा, आपको बेसन का बहुत सॉफ्ट स्मूथ सा जबरदस्त ऑयल है। आपकी स्किन के ऊपर जितने पैचेस हैं उनको दूर करेगा, डार्क स्पॉट्स को दूर करेगा। आए इसको एक बॉटल में डालते हैं। मेरे पास यहाँ पर देखिए बड़ी खूबसूरत सी बॉटल है, मैं इसके अंदर इसको शिफ्ट करूंगी। मैंने इसको एक खूबसूरत सी बॉटल में डाल दिया, अब मैं आपको रिजल्ट चेक करवाती हूँ। ये आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और ग्लॉसी बना देगा, स्किन इतनी चमकदार हो जाएगी, क्योंकि विंटर की ये खास रेमेडी है और इंशाल्लाह मेरे व्यूअर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। कि मैंने आपके सामने अप्लाई किया, मेरी स्किन देखिए किस कदर खूबसूरत चमकदार होगी। अभी सिर्फ मैंने 1 से 2 मिनट इसका मसाज किया, ये देखिए आपने इस तरह डेली लगाना है, अदरवाइज आप इस तरह इसको लगा के उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। जी वैसे बहुत ही बेहतरीन ग्राम फ्लोर का ऑयल मैंने बनाया और मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर आपने बहुत ही जबरदस्त हेल्दी इंग्रेडिएंट डाली हैं, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नॉरिश करेगा, सॉफ्ट स्मूथ रखेगा, स्किन को चमकदार बनाएगा, झुर्रियां नहीं पड़ने देगा, रिंकल फ्री करेगा। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर जितने टैन का प्रॉब्लम है वो दूर कर देगा, एक ग्लॉसी और हेल्थी स्किन आप दिनों में पाएंगे जी। दोस्तों तो कैसी लगी मेरी आज की रेमेडी, मुझे उम्मीद आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त और डिफरेंट रेमेडी है। इंशाल्लाह आप इसको अप्लाई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इसने कितना फायदा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी और डिफरेंट मेडी के साथ फिर आऊंगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को चाहने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।